भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। करसोग में 12वीं कक्षा के छात्र जितेंद्र कुमार ने लॉकडाउन के दौरान वेस्टेज मटेरियल से ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर तैयार किया। यह कारनामा जितेंद्र कुमार ने ऑटोमोबाइल वोकेशनल ट्रेनिंग के टीचर्स और यूट्यूब की मदद से किया। जितेंद्र ने महज एक मॉडल के रूप में इसे प्रस्तुत किया था, लेकिन जितेंद्र कुमार यहीं नहीं रुका। जितेंद्र कुमार ने उतनी ही मेहनत जारी रखी और कुछ ही महीनों में एक ऐसा यंत्र बना डाला जिसे देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। जितेंद्र कुमार ने ऑटो हैंड सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग का एक यंत्र तैयार किया है जो बॉडी टेम्परेचर भी बता देता है। विधायक हीरा लाल ने इस उपलब्धि पर होनहार छात्र को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्कूलों से इस तरह की प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं। छात्र की कला से खुश होकर विधायक ने जितेंद्र कुमार को इनाम के तौर पर 10,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की। एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र कुमार ने बहुत सुंदर तकनीक से एक कॉम्बो थर्मल स्कैनिंग ऑटो हैंड सैनिटाइजर यंत्र तैयार किया है जो बहुत ही अद्भुत है। सभी इसे बहुत कम खर्चे पर खरीद सकते हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी करसोग कंवर सिंह गुलेरिया ने भी जितेंद्र कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि जितेंद्र कुमार का यह प्रयास काबिले तारीफ है। जितेंद्र कुमार की इस कामयाबी व हुनर के लिए वह बधाई के पात्र हैं। इससे बहुत से छात्र प्रेरणा लेंगे व उम्मीद है कि इसे सब इस्तेमाल में लाएंगे। कुमार जी जो हमारे अभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में भी जमा दो के छात्र है, इन्होंने एक नई इनोवेटिव सोच के साथ जिस तरह से हम थर्मल स्कैनिंग करते थे जगह जगह जाके कितने चेक पोस्ट होते थे या हॉस्पिटल आने के लिए, और साथ में सैनिटाइजर की जो व्यवस्था होती थी वो अलग तरीके से होती थी, तो दोनों को ऑटोमेटिक मोड पे इन्होंने उसमें लगाया है। और थर्मल स्कैनिंग और दोनों सैनिटाइजेशन जो एक साथ हो सकती है, जब टेम्परेचर भी नोट हो सकता है और विदाउट टच किए हो सकता है, तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव सोच है और एक बहुत ही एक अच्छा कार्य है इसके लिए। और हमारे इस तरह से जितने कर भी अस्पताल रहते हैं या कुछ और भी कार्यालय रहते हैं, जिस तरह के जो लोग आते हैं जिनका हम टेम्परेचर नोट करना पड़े उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करें, तो इसके लिए हमारे पास एक थर्मल स्कैनर पहले ही हो, तो हमारे पास एक हैंड वॉश करके आदमी अंदर भी जा सकता है और उसका टेम्परेचर भी नोट कर सकता है, उसके बाद हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह की उसके रैड टेस्टिंग करनी है नहीं करनी है, जो भी करना है तो आगे प्रक्रिया हो सकती है, तो इसके लिए मैनुअल पावर बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं और आने वाले समय हम अपने हर अस्पताल में इसको कोशिश करेंगे सब जगह यूज करें और ताकि हमारे मैनुअल पावर भी कम हो जाए। इंद्र कपूर जी जो धनीराम जी के बेटे हैं, जो यहीं पर हमारे अपने सोनाली पंचायत के छोल गाँव के रहने वाले हैं, जोड़ के रहने वाले हैं, और जितेंद्र कपूर जी ने जो एक बहुत बढ़िया एक जिसमें एक सैनिटाइजर जो यहाँ पर सैनिटाइजर के साथ साथ इसमें जो एक टेम्परेचर भी साथ इसमें जो एकदम साथ आता है, ऐसी मशीन हमने जो है मुझे लगता है कि भी करसोग के अंदर तो पहली बार देखी है, शायद हिमाचल प्रदेश में भी हमने अभी तक इस प्रकार का जो ये मशीन नहीं देखी है। इसके लिए मैं जितेंद्र कपूर और उनके माता पिता जी को और गुरुजनों को बहुत बधाई देता हूँ कि इसने अपनी टेक्नोलॉजी से अपने दिमाग से इस प्रकार की नई एक आइटम जो है इस कोरोना काल में और ये तैयार की है। और मैं चाहूँगा कि और बढ़िया आप और क्या करें, तो हम चाहेंगे कि भी आप हमारे साथ चल करके हम हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे कि ऐसी बड़ी आइटम जो है हमने इस कोरोना काल में तैयार किया है। और मैं चाहूँगा कि जितने हमारे ऑफिस है या यहाँ पर हॉस्पिटल है मुख्य जगह पर ये लगे, ताकि जो है इससे जो है ये कोरोना जैसे कि हम कोई कहीं पर हमने जैसे दूसरे ये स्कैन में लगे हैं कहीं ना कहीं हाथ लग जाता है, इसमें जो है जब हम सैनिटाइजर करेंगे तो इसमें कहीं कोई हम कोई आइटम छुएंगे नहीं, और इसके साथ साथ ही हमारा जो है ये टेम्परेचर भी इसमें जो है साथ नोट होगा, दोनों चीज़ें हम जो है वो इसमें देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक स्टूडेंट द्वारा इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया गया है और इसमें आप करसोग के जो स्टूडेंट्स हैं क्या कहना चाहेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, सरकार से इस जो ये प्रोडक्ट आज तैयार किया गया है इसको अनुमति प्रदान करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करें? ये ठीक है कि भी जितेंद्र कपूर जी का ये बहुत ही एक सराहनीय है इनका एक ये प्रयास है, और जो करसोग के ये सीनियर स्कूल के छात्र हैं और उन्होंने ये आइटम तैयार किया, मैं इनके हौसला अफजाई के लिए हौसला बढ़ना चाहिए बच्चों को बढ़ना चाहिए ताकि और ज़्यादा इस प्रकार का ये जो है इसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं अपनी ओर से जितेंद्र कुमार जी को मैंने कहा कि एक तो हम इनको अपनी ओर से इनको
हौसला अफजाई करने के लिए मैं अपनी ओर से 10,000 रुपये का जो है वो इनाम दूंगा, बहुत ही शुक्रिया। और इसके साथ साथ भी इसकी एडवर्टाइजमेंट वो कर्सोग में तो होगी होगी, पर हिमाचल प्रदेश के लेवल तक इसका जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो, इसका इनका हौसला अफजाई हो, ताकि इनकी जो मशीनें वो हर एक जगह पर लगे। और आने वाले समय में जो है कोरोना जो है वो समाप्ति की हो रहा है, ये सारा समाप्त हो जाए। और प्रोडक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आएगा, घुटन का है, तो इससे मैं इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो किस तरह से इनको जो हाँ ये बात ठीक है कि जिस प्रकार से इन्होंने वो प्रोडक्ट लाया, पर जहाँ पर ये रखेंगे ऑफिस में रखेंगे इसकी कोई निश्चित कॉस्ट होगी, तो वो कॉस्ट तो फिर वो ऑफिस से लेंगे, वो कॉस्ट इनको मिलनी चाहिए। एक प्रकार से ये युवाओं के लिए रोजगार का साधन भी, रोजगार का साधन भी एक बना है। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेक इन इंडिया, और ये जैसे माननीय मोदी जी की स्कीम है उसी के आधार पर उन्होंने आगे चला है, इसी प्रकार के रोजगार का भी इनके लिए एक जो है ये सो अवसर जो है युवाओं को लिए, और ये बहुत बढ़िया जो मिल रहा है और आगे भी मिलता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।